जैसे कि हकीम साहब, गौसिया का जब जिक्र आता है तो इसने अपने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं हमें। यकीनन हर एक दर्शक अचंभित हो गया है कि हम जहां बेड पे से उठ तक नहीं पाते थे, हमें सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती थी, या फिर एक बार बैठ गए तो फिर बैठे ही रह जाते थे, चल फिर नहीं पाते थे, लेकिन वही लोग आज चल फिर पाते हैं, अपना काम खुद कर पाते हैं, उन्हें पैरों में इतनी राहत मिल गई है। अब जैसे कि ये सलमा जी हमारे साथ जुड़ी थी, इनका कहना है कि इनको आराम नहीं मिल पाया है, लेकिन कहाँ वो ऐसी चूक हो गई होगी या फिर कुछ ऐसा परहेज ये नहीं कर रही होंगी कि आपने ये भी कह दिया कि क्या पता आपको ऑपरेशन कराना पड़ जाए। देखिए, मैं मुझे 40 साल जी के करीब का तजुर्बा है और मैंने अपने अनुभव में सिया गौंद को बहुत आगे पाया दवाइयों से। ऐसा रॉ मटेरियल जो वाकई एक रिजल्ट रखता है, आप भी देखती हैं। तो अगर एहतियात के बावजूद फायदा नजर नहीं आए तो फिर मेरा दिमाग ये कहता है कि इनको शायद ऑपरेशन की जरूरत है। जी जी। तो लाखों में कोई ऐसा मरीज भी रहता है जिसको शायद कुछ इस कदर डैमेज हो चुका है कि ऑपरेशन कराएं। अच्छा, ऑपरेशन कराने के बाद भी ये दवा खानी लाजमी तौर पर पड़ती है, जिसे गौसिया कहते हैं। अक्सर हमारी कमर में इतना डैमेज हो जाता है कि फिर वो नसें जो डिस्क में दब जाती हैं या फंस जाती हैं, ऑपरेशन उसे निकाल सकता है, निकाल देगा तो आसानी हो जाएगी गौसिया को। लेकिन ऑपरेशन या कोई दवा में इतनी ताकत नहीं कि वो उनको ऐसे स्ट्रेंथ दे दे, ऐसे सख्त कर दे नसों को। तो वो सिर्फ कुछ दवाओं में ही है, जिसमें मैं अक्सर गौसिया बताता हूँ। तो ऑपरेशन के बाद भी आपको ये खाना शायद लाजमी हो, तो उस वक्त फिर ये दवा काम करने लगती है। तो आदमी को सच्चा मशवरा देना भी एक पुण्य का काम हो सकता है।